इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया है जहां एक महिला का यौन शोषण किया गया। मामला लव जिहाद का बताया जा रहा है, जिसमें हिंदू धर्म के महिला और मुस्लिम धर्म के युवक के बीच प्रेम संबंध पिछले 2.5 वर्षों से चल रहा था। इसके बाद दोनों कुछ समय के लिए अलग हो गए। वहीं कुछ दिन पूर्व युवक द्वारा महिला के पास शादी का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें उसने धर्म परिवर्तन की बात कही। वहीं अब पुलिस द्वारा मुस्लिम युवक पर धर्मांतरण की धारा 375 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की पहचान अमन पिता कलीम बताई जा रही है, जो कि MIG थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एक पीड़िता थी, वो मेरे पास में आई थी, तो उसको एक मुस्लिम का लड़का परेशान कर रहा है और उसके साथ में जैसे कार्य करता है। उसकी आज हम लोगों ने इकट्ठे होकर संगठन में आए, उसके बाद में तो कौन जाने बाद यही कार्य हाँ लड़की का देह शोषण कर रहा था वो 2.5 साल से। वो लड़की को प्रार्थना भी कर रहा था और बहुत सारी चीज़ें थी उसकी, तो बार बार धमकी देना और अगर मुसलमान बन जाएगी तो मैं तेरी शादी कर लूँगा, मैं तेरी शादी नहीं करूँगा। आरपी मोइन करके क्या करता है सर? BJP से जुड़ा हुआ है, BJP पद है उसके पास। ये मामला एक महिला का शारीरिक शोषण से संबंधित आज FIR दर्ज की गई है। इसमें मामला इस प्रकार से है, जो महिला हैं उनका 2.5 साल से एक दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ उनका अफेयर था, बीच में उनका ब्रेकअप हो गया। 14/2/24 को आज से करीबन 2 महीने पहले वो उनके पास आया, फिर इनका पेचअप हुआ और उनके साथ उनका फिर से रिलेशन हुआ। जब शादी की बात आई तो उसने बोला कि आप मेरे धर्म में आ जाओ तो ही मैं शादी करूँगा, और इस तरह से उसने उनका इस बात से बाउंड्री करके कि मैं मेरे धर्म में आने पर ही शादी करूँगा कहते हुए शारीरिक शोषण किया। इस तरह की रिपोर्ट हमारे यहाँ आई है, जिसमें हमने FIR दर्ज की है। लड़की ने 2.5 साल पूर्व से उसको जानना बताया। इनकी मुलाकात इनके इसके इसके भाई के थ्रू हुई थी, भाई का दोस्त था ये। हाँ धर्मांतरण की बात बिल्कुल आ रही है, धर्मांतरण की धाराएँ लगाई गई हैं हमने 376 और धर्मांतरण की धाराएँ नहीं, ये धर्मांतरण का। इसमें आरोपी का नाम अमान है और इसके पिता का नाम अमान पिता आरोपी का नाम है अमान पिता कलीम जाटू, 21 वर्ष शिवशक्ति नगर MIG थाने का रहने वाला है, जो इसके भाई के थ्रू इस महिला से, भाई का दोस्त था, इससे महिला से परिचय हुआ।